हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जैनवासी। देखिए, मैं सही सलामत बॉम्बे पहुँच चुकी हूँ। एक्चुअली मैं कल रात को ही आ गई थी क्योंकि मैं कंटिन्यू ट्रैवलिंग कर रही थी ऐसी हालत में भी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे से झूठ बोला नहीं जाता है। मैं कल रात को ही आ गई थी, लेकिन मुझे क्योंकि मुझे नहीं बताना था कि मैं बॉम्बे आ रही हूँ, क्योंकि रास्ते में प्रॉब्लम थी। जाते समय भी की गई थी, आते समय भी की गई थी। इसके लिए मैं बॉम्बे सही सलामत पहुँच चुकी हूँ। जितने मेरे ग्रुप वालों का काम करने गई थी मैं कर चुकी हूँ। ये 10 से 11 12 तारीख तक सबको उनका चीज़ उनके सही सलामत उनके पास पहुंच जाएगा। मैं सारे ग्रुप वालों को यूट्यूब के जरिए बोल रही हूँ, उसके पहले मुझे व्हाट्सअप पे बिल्कुल भी मैसेज वैसेज करो मत। दूसरी बात, क्योंकि मैं जो काम करके आई हूँ परफेक्ट हो गया है, सबके पास चीज़ें पहुंच जाएगी गणपति के बाद 10 तारीख के बाद 12 13 तक, मतलब मंडे अगले मंडे तक सामान पहुंच जाएगा। ये बात है क्योंकि हो गया है सारा काम, मैं काम पूरा करके आई हूँ क्योंकि मैं भी कोलकाता गई थी। और दूसरी बात, कल है अमावस्या, 6 सितंबर को है अमावस्या। मैं इसलिए इस वीडियो अभी बना रही हूँ कि सुबह मुझे टाइम भी मिलेगा, क्योंकि क्या है मेरे घर में भी गणपति बैठने वाली है, थोड़ा साफ सफाई होगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ये वीडियो जानना बहुत ज़रूरी है कि अमावस्या का बहुत अच्छा, कल 6 सितंबर है, कल अमावस्या में हर उसकी बैंड बजेगी जिसने कारनामा किया है। यहाँ पे मतलब लोग बाज नहीं आ रहे, मतलब किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बाज नहीं आ रहे, ज़बरदस्ती घर में घुसना है। मैं घर की बंदिश करती हूँ। तो अभी कल स्वाति, स्नेहलता और हाजिदा, ये तीनों मिलकर नमक का काम करने वाले हैं। अरे, नमक के काम में जितने लोगों का नाम है, देखो हम एक ही बात बोलते हैं, कितने लोगों को लगता है हम नमक का काम करते हैं। नमक का काम हम कितना भी गंदा करें, लेकिन अगर आप गलत नहीं हो और आपने कुछ नहीं किया मेरे साथ या किसी के साथ, तो वो काव चीज़ आप पर असर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने इतनी सी भी नालायकगिरी की है, इतनी सी भी फालतूगिरी की है, तो समझ लो वो नमक तुमको तेजाब के जैसा काम करेगा। ये बात पक्की है। इसमें हम लोग किसी को नहीं, हम लोग देखो, मैं चाहे किसके भी नाम से करूँ, क्योंकि कुछ गद्दार हमारे घर में भी हैं, कुछ बाहर भी हैं, कैसे भी हैं, उन लोग समझते नहीं हैं। खाते हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन गद्दारी काम आती है और उसके बाद क्या बोलेंगे, हमने कुछ किया नहीं। तो देखो, हमने भी कुछ नहीं किया, सही बात है। हमारा क्या सबूत है कि हमने किया? हम नाम लेने से थोड़ी तुमने देखा क्या हमको करते, क्योंकि मैं कोई बाबागिरी नहीं करती। लेकिन ये बात ज़रूर है, इस बार का जो नमक का काम होने वाला है, करीबन 8 जनों पे होने वाला, और 8 जनों की वो हालत होगी, उसमें से कहते 2 जन की तो ऊपर की टिकट कटने वाली, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त के ऊपर हो गया। ये बात है। देखो, आप लोग सोचते होंगे ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैं सुल्तान जी का इतना मानती हूँ, मैं उसको, मैंने आपको बताया था ना कि मैं गई थी और सुल्तान जी ने केशव के पापा को बचाया, बाल बाल बचाया उन्होंने, बहुत अच्छी तरह बचाया। ये गेम शुरू हुआ 21 अगस्त से। 21 अगस्त को क्या है ना, मेरे घर में बंदिश है, बंदिश में कोई बाहर का घुस नहीं सकता है अंदर, बंदिश तोड़नी है, क्योंकि मैं बंदिश सबकी तोड़ लेती हूँ, मेरे घर की बंदिश जल्दी कोई तोड़ नहीं पाता। तो किसी को सेटिंग किया गया था घर तक भेजने के लिए कि घर में घुसो। उस दिन गलती हो गई थी कि मैं चली गई थी केशव के पापा के साथ मिठाई लाने, और कोई तो घर में आया था कंप्यूटर रखने के बहाने, क्या सेटिंग थी आई डोंट नो। लेकिन उसके बाद ये किया गया कि बच्चों को बोला गया कि मुझे ज़रा घर देखना है, ज़रा घर दिखाओ कैसा है घर। बच्चे भी समझ नहीं पाए, घर दिखाया, घर दिखाने के चक्कर में डाल दी गई गंदी चीज़। अब वो भले उन लोग बोले हमने डाले, हमको दिख रहा है दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से केशव के पापा भी रक्षाबंधन में चले गए, तो एक भड़वे ने अपनी माँ चुदाई और एक भड़वी ने अपनी माँ चुदाई रंडी ने। फिर वो गए, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कुछ मिला के उनको खिला दिया गया वो चीज़। दोनों जगह शमशान की राख यूज़ की गई है। क्यों? कि हम दोनों सर अलग हो, दिमाग अलग हो, बच्चे भड़के, ये करे वो करे। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मेरी माता रानी ने मुझे अपने पास बुला दिया, उनको उधर रख दिया। तो ये सारी चीज़ हमारी सुल्तान जी ने और माता जी ने बचाया, लेकिन ये बातें सबको समझ में नहीं आएगी। उसके बाद जब मैं चली गई तो मुझे वापस बुलाने के लिए, क्योंकि वार किया गया था ना, अगर यहाँ होते तो सारा खेल बिगड़ता, मैं यहाँ थी नहीं, यहाँ बुलाया गया। ये बता रही हूँ कि सुल्तान जिन कैसे करता है, देखो बचाता कैसे। यहाँ पे ऐसा हुआ कि अचानक से साबुन का पानी गिरा होता, आज मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बहुत डांटा है अपने घर में रेणुका कविता को, कैसे नहीं करने का, अगर ऊपर सीढ़ी पे पानी वानी गिरा है, कोई आ रहा है जा रहा है, तो आप बोलो, पोछा मारो, संभल के चलो, उनको आगाह करो। कभी हो सकता है कि आदमी फिसल के जान वान जा सकती, गलती से जान चली गई थी तो तुम दोनों जन, तो दोनों जन तो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ते, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, लोग समझते नहीं। उनको क्या है, खास करके हमारे घर में रेणुका भी ना, वो समझती नहीं है, उसको क्या लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं, वो कभी बातों को नहीं समझते। उसको प्यार से भी मैं समझाऊँ ना कि देख थोड़ा बात समझा कर, नहीं समझती है। पहले भी जब आरिफ शेख सब लोग रहते थे ना, कभी भी उसको समझाती, तो उसको क्या लगता है कि कभी केस खुलेगा तो उसका कुछ नहीं आएगा, सबकी बरोबर बैंड बजेगी। क्यों? क्योंकि जब आरिफ शेख पकड़ा जाएगा ना, सबसे पूछा जाएगा एक एक करके कि भाई तुम लोग जब घर में काम कर रहे थे, इतना सब कुछ हो रहा था, तो तुम लोग क्या कर रहे थे। मैं उसको हमेशा अच्छे के लिए समझाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे केशव के पापा की बहन है, दादा बोलती है। लेकिन उसके बाद नहीं समझ में आती कि कमाने खाने से मतलब रखने का, फायर कोई मदद कर। देखो, मैं नहीं उसको बोलती कि गलत है, लेकिन गलती दिखती है,
क्योंकि आरिफ शेख ने किसी को तो कहा था कि सुकड़ी मेरी सबसे बड़ी टिपर है, ऐसी बात है, लेकिन मैं उसको कुछ बोलती नहीं, मैं उसको एक ही बात सिखाती हूँ, दो बच्चे दिए ना भगवान ने, कमाओ खाओ अच्छे से रहो घर में, तुमको दो पैसा कोई नहीं देने वाला, जितनी पगार मैं देती हूँ ना उतनी पगार कोई नहीं देगा, बाहर फायदा ही नहीं टिपिंग गिरी कुछ करके, कोई तुमको एक रुपया देने वाला नहीं है, तुमको भगा देंगे नहीं, कुछ देंगे नहीं, मत मरो, अपने चक्कर में अपने बच्चों की जान क्यों गंवाते हो, समझे, ये बात है। दूसरी बात, फिर उसके बाद क्या किया गया गेम कि मुझे कैसे भी करके वापस बुलाया जाए, जन्माष्टमी बन चुकी थी, मैं सोची कि ये वापस आ जाएगी, जन्माष्टमी पहले पहुंची थी, मैं वापस नहीं आई, अचानक से यहाँ पे भी सुल्तान जी ने बारिश कर दिया, झूठ नहीं बोलूँगी, तो चाह रही थी कि बारिश ना हो, लेकिन अचानक से मुझे मैसेज आया कि सुबह से बारिश हो रही है, केशव के पापा का फ़ोन बंद हो गया, वो मुझे बोले मेरा बैटरी लो है, बंद हो जाएगा, जब खुलेगा तो मैं बात करूँगा, बोले ठीक है। अचानक से ये सब घर में ऐसा सब हो गया, मतलब थोड़ी सी गिर गई, दवा हुआ सब क्या हुआ, फिर वो जिसको नहीं घुसना था वो भी घर में घुसा और उसने भी गेम रखा, लेकिन हमको बाद में पता चला केशव, अभी आज हमारे घर में बात होने लगी, जब मैं कल आई हूँ तो आज जब मेरी बेटी से बात हुई, छोटी वाली से बेटी को, मैंने बोला कि क्योंकि उस दिन केशव पापा का शाम को फ़ोन आया जिस दिन बेटी गिरी, केशव पापा ने कहा कि मुझे छोटी वाली ने फ़ोन किया था, मैं बोली कि किया होगा शायद, मैंने बोला ना फ़ोन वोन नहीं करने का, लेकिन अभी जब मैंने बेटी को पूछा तो बेटी बोलती मैंने कॉल किया ही नहीं, मैंने अपना फ़ोन उठाया नहीं, अब उसके फ़ोन से कौन कॉल किया था मालूम नहीं, लेकिन ये देखो ये सुल्तान जी ने बचाया, ये सुल्तान जी ने पूरी चीज़ बचाई, मुझे वहाँ सेफ किया और केशव पापा को यहाँ सेफ किया, इसमें रोल किसने निभाया, मैं दो भड़वों ने निभाया, मतलब एक भड़वी और एक भड़वे ने निभाया, एक महादर चौध ने आके इधर राख डाली और एक रंडी ने जाके उधर राख डाली, कुछ क्या मिला, कुछ मिला, किया हम दोनों को अलग नहीं किया, हम दोनों वैसे ही हैं, अरे हम ये समझाते हैं कि तुम अपनी अपनी ज़िंदगी में दखल रखो ना, मैं किसी को भी ये भी समझाऊंगी केशव के पापा के थ्रू कि खा पी के मस्त पड़े रहो, क्या ज़रूरत है करने का, इतना फट रही है, बीमार पड़ गए, सब कुछ हो गया, कुछ भी पड़ रहा है, क्यों केशव के पापा तुमको क्या तकलीफ़ दे रहे हैं, खाना दे रहे, पीना दे रहे, टाइम पे सब कुछ दे रहे हैं, एक वक्त था कि वो आदमी बाहर रहता था, गंदे लोगों के साथ था, नशे में दो दो चार चार दिन घर पे नहीं आता था, आज वो आदमी टाइम से 8:30-9 बजे घर पहुंच जाता है, एक अच्छा मस्त सोसाइटी में काम कर रहा है, अपने एरिया को आगे बढ़ाने के लिए, अपने एरिया में नाम कमाने के लिए, कि एरिया में आज भले झोपड़ा है, कल वो पक्का चौल बन जाए, लाइट मीटर सब लग जाए, पानी वानी आ जाए, उसके लिए हम सब लगे कि पीछे से हम लोग पैसों की मदद करके उस चीज़ों को बड़ा कर दें, तो तुम उसमें रोड़ा क्यों बन रही हो, शर्म नहीं आती है, ये करना ज़रूरी है, मतलब तुम्हें वही चाहिए कि मेरा आदमी दारू पिए, नशा करे, बाहर घूमे, अय्याशी करे, है ना, और तुम यहाँ अय्याशी करो, ये गलत है, और मैं अपने यहाँ भी बोलूँगी कि किसी से मेरा नाता टूट चुका है, तलाक ले चुका है, सब कुछ हो चुका है, क्यों ज़बरदस्ती उंगली करने का किसी की बात सुन के, कोई काम आने वाला है, पहले किसी की बात सुन के पूरा घर वर तो भगा कर दिया, क्यों ऐसी गलती करने का कि तुम्हारे घर में हम फिर घुस के मारे, मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा कहीं पे गोरेगांव में पहुंच के कहीं भी करके मैं घर में घुस के सबको मारूँ, ये कोई टाइम नहीं लगेगा मुझे, ये मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, क्या मिलता है जिससे, देखो मेरा रिश्ता तुम मेरे से तुम्हारा रिश्ता था, मेरे घर वालों से किसी से कोई रिश्ता, जब मेरे से रिश्ता टूट गया तो सबसे रिश्ता टूट गया, तो क्या ज़रूरत है कि जब मेरे से बात नहीं हो रही है तो सबसे सबके साथ मिल के रहने का, रिश्ता मेरे से ख़त्म तो सबसे ख़त्म, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले सब लोग, गलत है ना, क्या बिगड़ा मेरा क्या, कल मैं आई रात को आराम से, हमारे केशव के पापा थे, आराम से मैंने बात की, क्या हुआ, टाइम स्पेंड किया मैंने, मैं आई रात को अपना काम पूरा करके आई हूँ, सबका काम बहुत अच्छा किया मैंने, 10-11 तारीख को देखो सबको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सबकी सारी विश पूरी करके आई हूँ मैं। और दूसरी बात, कामाख्या में तो नहीं गई, सॉरी मैं कोलकाता गई हूँ ना, जो आपने सुना होगा कोलकाता के थोड़ी देर पहले ही माँ तारा का शमशान में मंदिर है, माँ तारा वहीं विराजमान है, वहाँ हमारे पंडित से अच्छी पहचान है, कमलेश भाई करके हैं वहाँ पे, उन्होंने वहीं से किया, अब वो अमावस्या के दिन तारा माँ वहाँ से उठ के डायरेक्टली आएंगे हमारे घर पे, मतलब जितने लोगों ने वार किया है और जितने लोगों ने गलती काम की है सबके घर में जाएंगे वो, और कल देख लीजिएगा कल अमावस्या के बाद किसी न किसी के घर में जिन्ना सांप बन के घुसेंगे, अचानक से सांप बन के घुसेंगे और उस घर में से सांप नहीं निकलेगा, और दूसरा कितनों के घर में सुल्तान जी ने ऐसे ही घुसेगा जो मतलब माँ तारा के उस पे आशीर्वाद पे बिखर जाएगा। पहली गलती की गई मुझे और मेरे और केशव के पापा में झगड़ा लगाने की, दूसरी गलती की गई यहाँ बच्चों के बीच में लाके उसको फंसाने की कि अगर वो आता तो कुछ ना कुछ फंसता है तो अच्छा हो बारिश आ गई, तीसरी गलती फिर की केशव के पापा के दोस्त ने अपनी बहन के साथ फंसाने की। अभी तुम देखो तुम्हारा क्या होता है, क्योंकि भाई मैं भी देखना चाहती हूँ कौन सी इतनी विश्व सुंदरी थी, कौन सी तेरे इतने उसमें खुजली हो रही थी कि नमक का तेजाब डालेंगे तो बात ही खत्म है ना।
क्योंकि ये गलत बात है, पैसों को देख के फंसाने का नहीं। वो आदमी सोसाइटी का काम कर रहा है तो अपने एरिया के लिए काम कर रहा है, बहन बहन मानता है, दोस्त की बहन बहन है, तो ये ज़रूरी नहीं है क्यों करना है। मैंने देखा है पतली सी है सावली सी है, हर उसका काम ही ऐसा है लड़कों को फंसाना, ये कर रहा। लड़कों को फंसाओ, आदमियों को मत फंसाओ, और ख़ास करके विद्या देवी की चीज़ों पर नज़र रखना, मर जाओगे। क्योंकि देखो मैं अभी आपको सच्ची बताती हूँ, ये बात आज खोलती हूँ मैं। मुझे आशा पाटिल करके एक औरत का फ़ोन आया था बोरीवली से, वो बता रही थी कि गौतम नगर, गोराई में एक गौतम नगर है बस डेपो के पीछे, खुला बता रही हूँ मैं, जिसको बुरा लगे लगे, अगर वहाँ सच में ऐसा होगा तो बैंड बजने वाली है। तो ये बात वहाँ की थी कि वहाँ पे बोल रही थी माँ वहाँ पे ऐसे ऐसे घर है, पहली बात तो उधर अंदर तो कोई जाने नहीं जाता, वहाँ तबेला है, वहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया जाता है, पहले ही वहाँ पे सब कहते ना बहुत सारे कहते गांजा वांजा पीते सब नशेड़ी बैठे रहते हैं और नाकी पे बैठे रहते हैं सब, जो प्रपोज जैसे अभी एरिया 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, 1 किलोमीटर पहले ही 2-4 आदमी लोग घूमते रहते हैं और वहाँ पे बाकायदा काम चलता है गंदा। उस एरिया में 8 से 10 घर ऐसे हैं जहाँ पे चादर बदलने का काम चलता है, मतलब धंधे वाली लोग रहती हैं, एकदम शरीर जारी बन के रहती है। 2 दाऊं का है काम, दोपहर के वक्त वहाँ पे कोई नहीं आता जाता है, उनका काम है अच्छे अच्छे मर्दों को 400-500 रुपये में रूम देना और अच्छे घर के आदमी लोगों को फंसाना। वहाँ पे वो आशा पाटिल का आदमी कड़िया का काम करता है, मैं उसको पूरा डिटेल्स नहीं दे सकती, उसका काम मैंने नहीं लिया और डर के बेचारी दोबारा मेरे को मैसेज नहीं की। वो ये बोली कि माँ वहाँ पे ऐसा है कि मेरा आदमी कड़िया का काम करता है, दिन भर जो कमाता है वहाँ जाके फालतू औरतों पर देखे आता है। बोलती माँ वो औरतों को देखोगी ना तो इतनी काली कलोटी, इतनी गंदी है और एकदम जब्बर है, ऐसे भैंसों की जैसी दिखती हैं, और ब्याज पे धंधा भी चलाती है, ब्याज पे पैसा भी चलाती हैं, ब्याज पे पैसे देती है, सब कुछ है। पता नहीं वहाँ के एरिया वालों को भनक है कि नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप कुछ कीजिए। क्योंकि मैं वहाँ जाने की कोशिश की तो नाके पे रोक लिया जाता है कि अरे आप किधर जा रही है, यहाँ पे क्या है, कोई नहीं अंदर ऐसे। और बाकायदा बिंदास, और ख़ास करके वो औरतें और वहाँ के एरिया की औरतों को भी बहुत जनों को खराब की हैं ऐसा। तो उनका काम मैंने ऑलमोस्ट चालू किया है। ये बात मैं सच बोलूँ तो मैंने किसी से शेयर की थी, लेकिन उस सामने वाले ने नहीं माना, बोला इतने साल से एरिया है कभी ऐसा सुना ही नहीं दिया। यहाँ पे सोसाइटियों में होता है, आपने शायद देखा होगा फेसबुक पे सब जगह पे, एक अच्छी अच्छी बिल्डिंग में, विरार वसई ये सब जगह पे अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में टावर में एक एक घर में धंधे होते हैं और किसी को खबर नहीं रहती। तो इतना भी तो झोपड़पट्टी है, यहाँ 400-500 में रूम मिलते हैं, वहाँ लोग जाते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो ये लड़की भी वहीं की है जो केशव के पापा पे ध्यान दे रही है। तो अब ये है कि फिलहाल तो मैं ये मेरा वीडियो सब देखते हैं, तो मैं गौतम नगर वालों को एक ही बात बोलूँगी कि ऐसी औरतों को वहाँ से निकालो, नहीं तो हमारी पूजा चालू है, हो सकता है आपका पूरा एरिया साफ हो जाए। पक्का बनना तो बहुत सपने की दूर की बात है, लाइट बिल बनना बहुत सपने की दूर की बात है, ये चीज़ साफ हो जाएगी। क्योंकि विद्या देवी आप लोग की मदद कर सकती है ना, तो वहाँ से सफाई भी करवा सकती है। मुझे कोई BMC ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से बैठे बैठे कल अमावस्या है काम करूँगी, तो वहाँ की औरतों का पता लगाओ ये कौन करती हैं और काम करो। औरतों का नाम भी अक्षर बता देती हूँ, एक औरत का नाम M अक्षर से शुरू होता है, एक का S अक्षर से शुरू होता है, एक का J अक्षर से शुरू होता है। जो केशव के पापा के पीछे उसका दोस्त की बहन पड़ी, उसका अक्षर J से है, और जो दोस्त है उसका नाम S और R से है, जो दोस्त है उसका नाम S और R से है, उसने अपनी बहन को लगाया पीछे, और अभी तो हट गए पीछे, मेरा वीडियो देख लिया, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, कल नमक का काम होने जा रहा है, देखो तुम्हारे अंदर कैसा तेजाब डालते हो। और ये जो सब किए हैं बहुत बेकार किए हैं, पंगा में से मत लो। और ये जो फालतू, क्योंकि आशा पाटिल ने जो कहा था तो मुझे गलत लगा था, लेकिन अभी आईनी अमलियत में सब क्लियर हो चुका है। तो यही होगा कि अगर ये गंदगी नहीं हटेगी तो भाई हमको हटानी पड़ेगी, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो 8-10 घर पूरे एरिया को गंदा कर रही हैं, अगर एरिया वाले नहीं पता कर सकते। और दूसरी बात, वो औरतें, मैं अभी ये भी हिंट देती हूँ, वो औरतें उस इधर की लीडर हैं, मतलब एकदम ताव में बात करते हैं, इतना मतलब हर जगह से एकदम मेन दिखती है, मतलब एकदम रुबाब में बात करना, तड़फड़ तड़फड़ बोलना, ऐसे किसी के बाप से डरना नहीं, सब पुलिस पुलिस की सेटिंग रखना, ये वो रखना, और ऐसा दिखाना कि हमसे शरीफ कोई नहीं है, वो सब काम कर रही हैं। उनका जो उनका भी हाल कल बिगड़ने वाला है, ये आप लोग अरे पता चलेगा, क्योंकि सांप घुसेगा, सुल्तान जिन कल जो ये गलत काम कर रही हैं, आप देखिएगा उन सबके घर में सुल्तान जिन सांप के रूप में घुसेगा, और उस सांप को कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसका मंत्र सिर्फ हमें आता है। बहुत कोशिश करेंगे, सांप नहीं निकलेगा, बहुत हुज्जत मारे के बाद निकलेगा, लेकिन ये हिंड होगा कि वही घर है जहाँ पे ये सब हो रहा है, कोई भी घर हो सकता है, हम नहीं जानते। और एक और बात, अभी हंसी आ रही है बोलने के लिए, किसी को बोला था कि ध्यान देना, ये नहीं बोला था कि रेप कर देना, मतलब किसी को हमने कहा था कि ध्यान देना, 10 दिन अच्छा मौका है संभालना,
यहाँ तो आदमी ने 10 दिन ऐसा कर दिया कि जैसे अगर समझो एक औरत एक लड़की हो तो बेचारी जाके रिपोर्ट भी कर दे कि मुझे डेली सेक्सुअलर हरेसमेंट किया जाता है। सेक्सुअलर हरेसमेंट मतलब उस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है। अब एक आदमी के साथ अगर जबरदस्ती करे तो औरत क्या, आदमी क्या कर सकता है, और खास करके अगर उसकी बीवी करे तो। मतलब अगर हमें भी, अगर मैं भी रहूं उस जगह और सामने वाला एक बार बोलेगा ना अरे हट मुझे बात नहीं करनी, तो हम लोग को खुद को शर्म आएगी कि छोड़ना बार बार थुत्कार मार रहे। तो क्या मेरे को तो कोई ऐसा बोले तो मैं तो उसकी तरफ पलट के ना देखूं कि क्या कुत्ता दिखती हूँ क्या बार बार बुला रहे। लेकिन यहाँ पे आदमी ने 10 दिन में मेरे मतलब सॉरी 10 दिन में नहीं रहने का ऐसा फ़ायदा उठाया, इतना ज़बरदस्त इरेटेड किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने देखा है कि सामने वाला मतलब बाजू में लेट के भी ऐसे ऐसे हाथ बांध के ऐसे सोए जैसे कि उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती हो रही है, ऐसा हाथ लगाने में भी ऐसे डर रहा है। मतलब ऐसा हाथ रखने में हाथ उठा के पैर देना, पैर रखने में पैर उठा के फेंक देना, इतना इरेटेड करने का क्या ज़रूरत था यार। समझो इंसान को तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना अच्छी बात नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन एक इशारा है, समझ मुझे पता है समझने वाला समझ गया होगा कि ये गलत बात है यार। ऐसे ऐसे कोई करता है क्या? प्यार यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता। ज़बरदस्ती करने से आदमी आज आईनी अमलियत में जाहिदा स्वाति सब ने देखा, इतना हंस रही थी बोलते माँ इतना ज़बरदस्ती, मतलब सामने वाला भगा रहा है कर रहा है, यहाँ तक ये तक बोल रहा है अच्छा ठीक है जो तेरा मन का कर ले पूरा कर ले। मतलब एक लाश के जैसा पड़ा है तो भी तुमको अक्कल नहीं आ रही कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ऐसा करते शर्म नहीं आया? सोचना नहीं चाहिए? इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए देखा जा रहा था कि चलो कोई तो बाहर है मैं फ़ायदा उठा लूँ। अरे इससे फ़ायदा नहीं उठाया जाए, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। तो इस बेवकूफ़ी की वजह से मुझे एक्चुअली ये बात सोच के बुरा लग रहा था कि एक आदमी जो इतना स्ट्रांग बनता है दुनिया के सामने लेकिन क्या कर सकता है, चाह के भी अपने सामने कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन सच बोलूँ ना, अगर मैं रहूँ ना ऐसी जगह और मुझे कोई ऐसे धुतकारे ना, एक बार एक बात बताती हूँ, कोई ऐसे एक से दो बार, मेरी एक आदत है अगर कोई मुझे एक से दो बार ऐसे इग्नोर करे ना मैं तो उसकी तरफ थूकना तो देखना तो छोड़ो उसकी तरफ थूकना पसंद नहीं करती, मेरी एक आदत है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जाने दो। लेकिन ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संभालने को कहा था, रेप करने को थोड़ी ना कहा था कि चढ़ ही जाओ सीधे एकदम राशन पाने को। दूसरी बात, अभी जो नमक का काम होने वाला है, स्वाति स्नेहलता हाजिदा सुनीता आप सबको एक बात बोलती हूँ, 50,000 आज मैं बता दूँ 50,000 नादे अली पढ़ डालो बेगर दरुज शरीफ पढ़े, और उस नमक का जो तरीका तो तुम लोग को पता है कर डालो। और दूसरा फिर एक और मंत्र जो है वो मंत्र अपन कभी यूट्यूब पे नहीं बताते, वो मंत्र 11,000 करो और ऐसा करो कि उसी आजू बाजू वालों को उनकी स्मेल नहीं आए, उनको खुद को भी उसकी स्मेल आए, मतलब उन लोगों को खुद को भी लगे खाने में से लैट्रिन की स्मेल आए, कपड़े में से लैट्रिन की स्मेल आए, अपने बालों में से आए, नाक में से जो नाक में सांस लेते ना उसमें से एक लैट्रिन की स्मेल आए, वो खुद परेशान हो जाए कि हम लोग को स्मेल कहाँ से आ रही है। और एक और बात बता दो, जो नमक का काम मैं करती हूँ ना मेरे सिवा कोई छुड़ा भी नहीं सकता, हमको नमक का काम फिर से उल्टा करना पड़ता है, उसके लिए भी अमावस्या का वेट करना पड़ेगा, तो हमारे सिवा कोई छुड़ा भी नहीं सकता। ये बात है क्योंकि शायद किसी को नहीं पता है मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ सब में। एक वक्त था जब मैं कहीं रहती थी नालस वालों सब साइड में ना, मैं लोगों का भूत प्रेत उतारती थी, मानो मेरे घर पर मैं सामने सामने से आत्मा उतार सकती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, गंदी से गंदी आत्मा को मैंने ऐसा शांत किया। मुझे आता है प्रेत उतारने का मंत्र, प्रेत को बुलाने का मंत्र, सब कुछ आता है, यहाँ तक कि कितनों को तो झापट पड़े सपने में फिर भी समझते नहीं है। और ये सब में मालूम है साथ कौन देता है सब गंदे लोगों का? इनकी माएँ, इनकी माँ, इनके सास, सब लोग ऐसे जो सपोर्टर करते हैं, क्या मिलता है ये नहीं मालूम, मुझे पता नहीं, ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, अभी क्या है भगवान जाने। लेकिन ये है जो गलत किया उसको देंगे। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बनाई कि मैं आ गई हूँ, डोंट वेरी, मेरे से सब मेरे को ये सब आता नहीं कि झूठ बोलना कि मैं नहीं आई, मैं आ चुकी हूँ कल रात को, अभी आज है सब काम निपटाऊंगी, सबका काम करूंगी। दूसरी बात जो मैं काम करके आई बहुत अच्छा काम करके आई, अभी कल भाई जब मौत को दावत दिए तो भोगो क्या होगा देखो, क्योंकि जो मैंने किया है वो कोई नहीं कर सकता, मेरा काट तो कोई कर ही नहीं सकता। हमारे एक ही मंत्र है, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े, क्योंकि कल 6 सितंबर है, कल जो होगा बहुत बड़ा होगा। मेरी टीम लग चुकी है काम में, मैं भी लग चुकी हूँ काम में, अब तो फुल एंड फाइनल रिजल्ट देना ही देना है, जो होएगा देखा जाएगा। और दूसरी बात, ये वक्त बहुत अच्छे शक्तियाँ लेने का, अगर तुम लोगों को भी कोई चाहिए, कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहे हम ही आप लोगों का नमक का काम कर देंगे, आप बिंदास पूजा का चालू करवाइए जो भी है। भाई देखो मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरे ग्रुप में 15-20 जन है, सब काम करते हैं, हमको सबको दो पैसे भेजने पड़ते हैं, कोई फ्री में सामान दुकान वाला सामान नहीं देता है, हमारा तो सीधा बात है पैसा फेंक तमाशा देख, अब जिसको लगे बुरी तो भाई माफ़ करना, और जिसको अच्छी लगे तो सीधा काम कराना। जय माता दी।